हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रमिंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्वारेटिक इक्वेशंस की रूट्स होती हैं हमें पता है दिस इज द क्वारटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जनरल इक्वेशन है जनरल फॉर्म है क्वारेटिक इक्वेशन की इसकी हाइएस्ट पावर कितनी है दैट इज डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज टू तो इसका मतलब टू नंबर ऑफ रूट्स ही हैं इसकी दो रूट्स हैं इस इक्वेशन की और वो जो दो रूट्स हैं वो कैसी हैं वो रियल हैं कि नहीं अगर रियल हैं तो इक्वल हैं कि अनईक्वल हैं ये सब कुछ है नेचर ऑफ रूट्स और वो हमें इस एक्सरसाइज़ में स्टडी करना है ठीक है और नेचर ऑफ़ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक जो फॉर्मूला हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला था जो हमने 4.3 में भी यूज़ किया है यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊँगी उसकी हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट ये थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन हम इसको शॉर्ट में सिर्फ डी लिखते हैं एग्जाम में भी सिर्फ आप डी लिख के इसको आ, आगे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कोई मार्क्स नहीं कटेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी फाइन ये होता है इसका फॉर्मूला अगर हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए मीन्स कुछ भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अन ठीक है अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा कुछ भी पॉजिटिव नंबर वन फोर ट्वेंटी फोर्टी थर्टी कुछ भी आ जाए कुछ भी पॉजिटिव नंबर तो रूट्स उसके होंगे रियल एंड आर निकवल ठीक है ये है फर्स्ट सिचुएशन सेकेंड सिचुएशन कभी कभी आपका डी आएगा जीरो के इक्वल फाइन अगर डी आ जाए जीरो के इक्वल फिर भी रूट्स क्या हैं देन अगेन रूट्स आर रियल रियल होंगी और साथ में इक्वल होंगी दोनों रूट्स इक्वल होगी मींस अगर एक रूट आई है टू तो दूसरी भी टू आएगी फाइन सो so, ये आ गया अगर डी जीरो है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगी और तीसरी कंडीशन इसकी आती है इफ़ डी इज़ नेगेटिव डी इज़ लेस देन ज़ीरो अगर डी आपका माइनस में कुछ भी आ गया माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस हंड्रेड कुछ भी आ गया तो हम लिखेंगे देन रूट्स आर नॉट रियल या फिर बोलेंगे या फिर बोलेंगे और रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट रूट्स एग्जिस्ट करती नहीं रियल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि रियल नंबर सिस्टम ही है जिसमें सारे रैशनल्स इैशनल्स प्राइम कॉम्पोजिट ऑड इवन नेचुरल होल सब कुछ आता है लेकिन अगर रूट्स ही रियल नहीं है तो एग्जिस्ट कहाँ से करेंगी सो so, अगर आपका डी नेगेटिव आ जाए तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज रूट आर नॉट रियल फाइट सो हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वारटिक इक्वेश रूट रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम ठीक है उन्होंने बोला कि नेचर ऑफ रूट्स पता कीजिए अगर रूट एग्जिस्ट करें तो उनको फाइंड भी कीजिए अब फाइंड करने का एक भी तरीका था वो मैं आपको पहले यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू जीरो आ जाए मतलब रूट्स रियल आ जाए तो हमें रूट्स फाइंड आउट कैसे करनी है x इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल होगा जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है वही वेरिएबल लिख के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन टू इन टू ए इसमें वैल्यूज फिल करनी होती हैं और वहाँ से आपको रूट्स ईजिली मिल जाती हैं ठीक है थीके? इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट करते हैं आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट यहाँ से फर्स्ट इज़ टू एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो सबसे पहले तो बोला कि नेचर ऑफ रूट्स पता करो मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वहाँ से नेचर ऑफ रूट्स पता लग जाएगा और अगर रूट्स रियल हैं तो फाइंड करनी है मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगाना बाद में सो फर्स्ट सम इज दिस इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो यहाँ से ए कितना आ रहा है टू एक्स स्क्वायेर का कोफिशियंट b एक्स का कोफिशियंट दैट इज माइनस थ्री और सी कॉन्स्टेंट इज़ फाइव ठीक है देन डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करते थे बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बी स्क्वायर इज माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज टू इंटू सी दैट इज़ फाइव ये बना हमारा माइनस का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर इंटू टू एट एट इंटू फाइव फोर्टी सो दिस इज प्लस माइनस माइनस फोर्टी में से नाइन गए ये बचा थर्टी वन और बड़े का साइन माइनस था तो यहाँ पर आ गया माइनस थर्टी वन सो हमारा डी बना माइनस थर्टी वन मीन्स इट इज़ लेस देन ज़ीरो क्योंकि ये नेगेटिव आया ये लेस देन जीरो है इट मीन्स दे आर फोर एज डी इज़ लेस देन जीरो दे आर फोर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट दे आर नाट रियल रूट्स आर नॉट रियल That is roots does not exist. रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही ठीक है सो so, यहाँ पे डी था नेगेटिव तो रूट्स जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं की। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट हो सकता है उसमें जो है हमारा डी कुछ जीरो आ जाए या फिर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो रूट्स हम उसमें फाइंड आउट करेंगे ठीक है सेकेंड सम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो सबसे पहले होगा जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन जनरल इक्वेशन इज दिस वहां से ए बी सी की वैल्यूज़ ए इज़ थ्री है बी इज़ माइनस फोर रूट थ्री और सी है कांस्टेंट दैट इज़ फोर ठीक है ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली और डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी वहाँ से नेचर ऑफ रूट्स पता लगेगा है ना बी स्क्र इज माइनस फोर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ये बना हमारा माइनस का स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री है तो रैशनल पार्ट का स्क्वायर अलग से होता है और इरेशनल का अलग से दोनों का स्क्वायर करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन और रूट थ्री का स्क्वायर क्या बनता है थ्री है ना साइड पे करके दिखाऊँ ये फोर रूट थ्री का स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया तो ये थ्री बच गया तो थ्री लिख दिया यहाँ पे माइनस फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट ये क्या बना सिक्सटीन इंटू थ्री वो भी फोर्टी एट यहाँ पे भी फोर्टी एट तो फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट इज ज़ीरो सो डी हमारा बना ज़ीरो देआर फोर रूट्स आर क्या थी रूट्स फिर अगर डी जीरो आता था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल दोनों रूट्स इक्वल आते थे ठीक है अगर रूट डी ज़ीरो आता था तो रूट्स जो है वो रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं रियल है मीन्स एग्जिस्ट है, करती हैं तो एग्जिस्ट करती हैं तो निकालनी पड़ेगी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉइंट टू ए का फॉर्मूला लगा के ठीक है एक्स क्यों लिया क्योंकि हमारा जो वेरिएबल चल रहा है इक्वेशन में वो एक्स है ठीक है अगर यहाँ पे वाई होता तो यहाँ पे भी हम वाई ही लिखते फाइन बाकी सारा सेम है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉइंट टू ए बी की वैल्यू जल्दी से माइनस फोर रूट थ्री है ना बी की यही वैल्यू थी माइनस फोर रूट थ्री और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला माइनस है प्लस माइनस रूट ऑफ डी दैट इज़ रूट ऑफ जीरो अपॉन टू इंटू ए दैट इज़ टू इंटू थ्री तो ये क्या बना माइनस माइनस प्लस फोर रूट थ्री प्लस माइनस ज़ीरो का रूट जीरो अपॉन टू इंटू थ्री इज सिक्स मीन्स ये हमारी जो दो रूट्स बनी वो क्या बनी एक बार जीरो प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार आपको प्लस के साथ लेना है जीरो को और एक बार माइनस के साथ वैसे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो तो जीरो है ठीक है लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये प्लस माइनस क्या है मैंने दोनों ये जो रूट्स है लिख दी तो एक्स क्या बना फिर फोर रूट थ्री अपॉन्स एक्स जीरो ऐड हो गया तो फोर रूट थ्री बना जीरो माइनस हुआ तब भी फोर रूट थ्री अपॉन्स एक्स तो ये क्या आंसर बना हमारा इनकी कटिंग पॉसिबल है टू के टेबल पे टू टू ज फोर टू थ्री जिक्स मीन्स टू रूट थ्री अप थ्री कॉमा यहाँ पे भी टू के टेबल पे कटिंग टू रूट थ्री अप थ्री ये आ गई हमारी दो रूट्स ठीक है जो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं आ रही है ना इक्वल तभी हमने बोला था कि जब भी डी हमारा जीरो आए तो रूट्स रियल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं तो ये दो इक्वल रूट्स हमारी आ गई ठीक है कुछ बच्चे अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख देंगे एक रूट थ्री कैंसिल हो गया तो टू अपॉन रूट थ्री आंसर लेकिन जो हमारा एक्चुअली मैथ्स में चलता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमें रैशनल पार्ट नहीं रहने देना कभी भी रूट जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए सो आंसर इज़ दिस ओनली ठीक है यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे इसको ये हमारी आ गई रूट्स एक क्लास लाइन लिख लीजिए देर फोर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर टू रूट थ्री अपॉन थ्री कॉमा टू रूट थ्री अपऑन थ्री दैट्स इट ये था सेकेंड पार्ट अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर विच इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ओके सबसे पहले कंपैरिजन होगा जनरल इक्वेशन के साथ और वहां से ए बी सी की वैल्यूज लिखेंगे ए इज टू हेयर बी इज माइनस एक्स एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट दैट इज़ थ्री ठीक है अब डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि रूट्स रियल हैं कि नहीं रियल है तो फाइंड आउट करेंगे नहीं है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ये सब बी स्क्वायर इज़ माइनस सिक्स होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स का स्क्वायर एज प्लस थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू टू एट एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर सो थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर कितना बना एट माइनस करके देख लें सिक्स माइनस फोर इज टू और ये ट्वेल्व बन रहा 36 12. So again, है थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज़ ट्वेल्व सो अगेन ये पॉजिटिव नंबर है डेफिनेटली है अगर डी पॉजिटिव था देआर फोर एज डी इज ग्रेटर देन जीरो दे फोर रूट्स आर रियल जब भी डी ज़ीरो या फिर जीरो से बड़ा आता था तो रूट्स रियल होती थी और उनको अगर रूट्स रियल हैं तो साथ में डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स रियल हैं एंड अनईक्वल हैं अगर डी ज़ीरो था तो रूट्स रियल एंड इक्वल थी अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल एंड अनईक्वल होंगी तो उसको फाइंड आउट भी करना है अब हमने वेरिएबल कौन सा है हमारा एक्स फाइन एक्स है हमारा वेरिएबल यहाँ पे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए अब बी था हमारा माइनस सिक्स ठीक है ऊपर लिखा हुआ है हमने बी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस रूट डी दैट इज रूट ट्वेल्व अपॉन टू इंटू ए दैट इज टू इंटू टू ए की वैल्यू टू थी देन माइनस माइनस प्लस प्लस का सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व अब रूट ट्वेल्व को मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में करूँ तो उसका कुछ देखते हैं क्या बनता है टू इंटू सिक्स ट्वेल्व देन टू इंटू थ्री सिक्स देन थ्री इंटू वन थ्री ये पेयर बन गया हमारा टू का तो जो पेयर बनता है वो आ जाता है रूट के बाहर और जो नहीं बन पाता है पेयर जैसे यहाँ पे थ्री का पेयर नहीं बन पाया तो थ्री जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा ये बन गया रूट ऑफ ट्वेल्व दैट इज टू रूट थ्री ठीक है जो पेयर बन गया वो रूट के बाहर लिख देंगे जो नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा सिंपल अपॉन टू इंटू टू इज फोर अब क्या होगा सिक्स प्लस टू रूट थ्री एक बार हम प्लस के साथ लिखते हैं स्टेटमेंट ये वाली और एक बार डी के साथ माइनस लगाते हैं ठीक है प्लस माइनस का यही मतलब है कि एक बार आपको ये प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ देन ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं क्योंकि ये रैशनल पार्ट है और ये इरेशनल पार्ट है तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कॉमन विच इज़ टू दोनों ही टू के मल्टीपल है तो टू कॉमन कर लेते हैं क्या बचा थ्री प्लस टू थ्री जिक्स और यहाँ पे अकेला रूट थ्री क्योंकि यहाँ से टू बाहर चला गया अपॉन फोर कॉमा यहाँ पे भी टू कॉमन है सेम बेसिस पे बस माइनस का साइन है अंदर यहाँ पे कटिंग हो रही है टू और फोर की टू वन जी टू 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 ज फोर सेम यहाँ पे भी हो रही है तो रूट्स हमारी क्या बन रही है थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू कॉमा थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू देयर फोर एक्स इज इक्वल टू दीज टू वैल्यूज़ जो हमारी रूट्स आई तो हम लास्ट लाइन लिख लेंगे दे फोर रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन आर कौन सी बनी है रूट्स थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू एंड थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू दैट्स इट ये था इसका लास्ट पार्ट और अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे थैंक यू स्टूडेंट्स